बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को खैर सगाली सफीर के ओहदे से हटाने के लिए श्री मजारी ने अक्वामे मुत्तहिदा को खत लिखा था, जिस पर अब अक्वामे मुत्तहिदा आखिरकार अपना मौकिफ सामने ले आया है। तफसीलात के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अदाकारा जाती हैसियत में कोई भी बयान दे सकती हैं। वो प्रियंका का अपना जाती बयान था, ताहम तंजीम को ये उम्मीद है कि जब अदाकारा बतौर खैर सगाले सफीर बात करेंगी तो गैर जानबदारी का मुजाहिरा करेंगी। याद रहे कि श्री मजारी ने प्रियंका चोपड़ा की जानिब से जंग की हमायत से मुतलिक बयान देने पर चंद रोज कबल यूनिसेफ के सरबरा को खत लिखकर भारतीय अदाकारा से खैर सगाली सफीर का ओहदा वापस लेने का मुतालबा किया था। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लिखे गए खत में श्री मजारी ने निशानदही की थी कि प्रियंका चोपड़ा, जो 2016 में यूनिसेफ की आलमी खैर सगाली सफीर नामजद हुई थी, ने अवामी सतह पर भारतीय हुकूमत के इकदाम को सराहा और पाकिस्तान को भारतीय वजीर दिफा की जानिब से मिलने वाले जोहरी हमले की धमकी की भी हमायत की। उनका कहना था कि ये तमाम बातें अमन और खैर सगाली के असूलों के मुनाफी हैं। अदाकारा की जंगजोई की हमायत ने उनका अक्वामे मुत्तहिदा का नुमाइंदा होने पर सवाल खड़ा कर दिया है।